तो बच्चों, तो आज अपन बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी जो कि द्वारका दिल्ली के अंदर है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसका बहुत ही ज़्यादा प्रकोप है, क्योंकि जस्ट दिल्ली के एरिया के अंदर जो है एडमिशन हर कोई लेना चाहता है, ठीक है। बहुत ही सिक्योर एरिया होता है, जो एजुकेशनल एरिया होता है, बहुत ही जो है कंफर्टेबल लोकेशन है, ठीक है। तो दिल्ली के अंदर हर कोई भी ले सकता है, ठीक है। और इस एरिया के अंदर हर कोई ऑलमोस्ट बच्चे चाहते हैं कि हम यहीं पे कंप्यूटर साइंस या फिर कोई भी ब्रांच के लिए IPU से रिलेटेड किसी भी ब्रांच के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, सभी यही बोलते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो इसी के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी स्कैम चल रहा है कंप्यूटर साइंस के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे काउंसलर हैं जो CS और IT का, तो उन्होंने बिल्कुल डिसाइड कर लिया है कि 80 से कम बिल्कुल लेंगे ही नहीं हम, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मेरी भी कंसल्ट हुई है बहुत सारी काउंसलर से, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि 80,000 से कम तो चलेगा ही नहीं CS IT के लिए, और जो बाकी बच की ब्रांच है उसके लिए कम से कम 60,000 लगेगा, ठीक है। वो भी डोनेशन ओनली फॉर, ठीक है। और जो है रिफंड के बारे में कुछ जानकारी नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट आपको सारी स्टेट्स तक जाना होगा, अगर आप बीच में अदर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपका पैसा गया। तो आई रिक्वेस्ट फॉर यू, ऐसे जो है काउंसलर से आप सावधान रहिए, और जस्ट इतना पैसा पे भी ना करें, ठीक है। इट्स नॉट कम्फर्टेबल, जैसे इतना पैसा, जस्ट हमारी कॉलेज की फीस जो है वो 30 की है, ठीक है। 30-40 हज़ार रुपये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की फीस है, लेकिन हम तो वो भी पे नहीं कर पाते हैं, लेकिन काउंसलर्स जो है 80,000 रुपये यार, बस थोड़ा सा जो 2 सेमेस्टर की फीस से ज़्यादा फीस ले रहे हैं वो एडमिशन कराने के सिर्फ, ठीक है। वो जो कोई यूनिवर्सिटी को नहीं जा रहा है, गवर्नमेंट को नहीं जा रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन को जा रहा है, तो आप लोगों को भी थोड़ा जो है ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अपन बात करते हैं आज IPU डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो गाइस जस्ट अभी जो है पिछले साल जो राउंड चले थे, जस्ट 2-3 से 4 राउंड के बाद जो JEE की कटऑफ वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो एडमिशन इसके अंदर फंस जाते हैं, तो फिर डायरेक्ट काउंसलिंग होती है, इसके अंदर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो आपके पास ये मौका है, आपको जस्ट थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ओके। तो जस्ट आपको आधे महीने तक ऑलमोस्ट जो है 20 से 25 सितंबर तक वेट कर लीजिए, वहाँ उसके बाद जो है डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है यहीं पे होगा, और जो यूनिवर्सिटी की जो अदर कॉलेजेज है वो भी स्टार्ट कर देगी, और एक ऑप्शन ये भी होता है इसके अंदर मैनेजमेंट कोटा, ओके, वहाँ पे भी एडमिशन मिलता है। तो आप लोग अगर जस्ट मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ पे आपको डायरेक्टर कॉलेज से, मैंने भी एक कॉलेज से कॉन्टेक्ट किया था, तो उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, डायरेक्टर सर से बात करनी पड़ेगी, और ये जस्ट लाइक वो ज़्यादा फीस पे नहीं करनी पड़ती। इस मैनेजमेंट कोटा का मतलब ये नहीं होता कि आपको फीस ज़्यादा पे करनी है, ठीक है। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, आप जैसे वो क्वालिफिकेशन चेक करते हैं, आपने क्यों फॉर्म नहीं भरा, हो सकता है आपको बहुत अच्छे परसेंटेज हो, आपने फॉर्म नहीं फिल किया हो, या फिर कुछ फाइनेंशियल कंडीशन, ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि जो मैनेजमेंट कोटा के अंदर आपसे ज़्यादा फीस ली जाएगी, एक्स्ट्रा फीस ली जाएगी, ऐसा नहीं होता ऑलमोस्ट, ठीक है। हाँ, हो सकता है जैसे कुछ वो गिफ्ट वगैरह हो सकता है टीचर्स के लिए, लेकिन इट्स नॉट, बट जो है ये बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते होंगे कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू उनको बहुत सारी फीस पे करनी होगी कॉलेज को एक्स्ट्रा से, या फिर उनको रिश्वत वगैरह कुछ देना होगा, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है, टीचर्स के लेवल पे होता है, वो डिसाइड करते हैं किसको देना है किसको नहीं देना। लेकिन हाँ, ऑलमोस्ट जो है इसका एडमिशन डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा। जो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने IPU का फॉर्म फिल नहीं किया है, फिल हो नहीं पाया, इसकी जस्ट डेट भी जो है JEE का भी एग्ज़ाम चल रहा है, JEE का काउंसलिंग होगी, तो बहुत सारे बच्चे तो 2 साल पे CS AB पे अटके हैं, BCU CET का एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुआ, अभी फॉर्म फिलिंग हो रही है। तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है एडमिशन के अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय। एडमिशन के रिगार्डिंग एरोस्पेस एरोनॉटिकल, तो आप नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जस्ट आपको किसी भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना हो CS IT, तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।